उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू बुलेरो खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने बताया कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे स्थित थाना मानिकपुर में एक ट्रक और बुलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मृतक लोगों में 8 पुरुष और 6 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतकों के शवों को CHC भेज दिया गया है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने बताया कि मृतकों के परिजनों को पुलिस द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। प्रतापगढ़ के SP अनुराग आर्या ने हादसे की पुष्टि की है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। SP ने बताया कि बुलेरो में सवार सभी लोग कुंडा के रहने वाले थे। ये एक बारात समारोह से वापस आ रहे थे, तभी कुंडा के देशराज के इनारे के पास तेज रफ्तार बुलेरो एक खड़े ट्रक में जा घुसी और 14 लोगों की मौत हो गई। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बुलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल CO कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बुलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद JCB द्वारा बुलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बुलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को CHC कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कल दिन में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ओवरसी किया गया। SP अनुराग आर्य ने बुलेरो के ड्राइवर की झपकी आ जाने से हादसे होने की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर पहुंचे लोगों के पास तक जाने की हिम्मत नहीं हुई, तभी इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बुलेरो को काट कर शवों को बाहर निकाला। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देशराज का इनारा नाम की एक जगह है, जहां पर ट्रक नंबर UP 33 AT 6151, ये ट्रक का नंबर है, इसके ड्राइवर द्वारा जो बीच का पहिया है वो पंक्चर हो जाने के कारण ट्रक को सड़क के साइड में पार्क किया गया था और उसी दौरान बुलेरो गाड़ी पीछे से आई और ट्रक के साथ बहुत जोरदार उसकी टक्कर हुई, जिसमें बुलेरो का लगभग आधा हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। इसी टक्कर के कारण इस बुलेरो में सवार सभी 14 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। बुलेरो सवार सभी व्यक्ति गांव जिरगापुर थाना कुंडा के रहने वाले थे और घटना के समय ये सभी लोग ग्राम शेखापुर थाना नवाबगंज में एक बारात समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव जो थाना क्षेत्र कुंडा में पड़ता है वहां वापस जा रहे थे। मौके पर CO कुंडा SDM कुंडा के साथ 6 थाना प्रभारियों को विभिन्न कार्यों में डिप्लॉय किया गया है। प्रतापगढ़ से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।